आए वही नहीं दिख रही है, पूनम दीदी भी नहीं दिख रही है, आगे आ जाए ऑर्गेनाइजिंग टीम नहीं दिख, सामने एक बार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राजधानी पटना के लेडी स्टीफन हॉल में हम देख रहे हैं कि जो आज आप लोगों के द्वारा इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं डेफ वुमेन फाउंडेशन ऑफ बिहार की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहिए? आज पहली बार ऐसा है कि आप लोग सुने होंगे कि कहीं भी कोई भी महिला संगठन मूक बधिर महिलाओं के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे तो हम लोग सब जगह ही सेलिब्रेट करते हैं, अपने क्लब में भी, अपने संगठन में भी और दूसरे दूसरे जगह पर, लेकिन आज तक किसी ने इन लोगों के साथ नहीं किया वो आर आज स्पेशली बेस्ट सिस्टर्स जो कि मूक हैं, बधिर हैं या अंधे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और मन था कि इन लोगों को बराबरी के प्लेटफॉर्म पर लाएं। और देखिए ये लोग कितने टैलेंटेड हैं। उस दिन पहले हम लोगों ने मैच किया था ये मूक बधिर बच्चों का नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ। वो बच्चे जब फील्ड आए तो देखते हैं कि स्टेडियम में घबरा गए, तो हमने पूछा सिस्टर से क्या हुआ, तो कहते वो डर गए फील्ड देख के, इतना बड़ा फील्ड वो लोग कभी नहीं देखे हैं। हमने खेलते कहाँ थे, तो गली में रोड पर। एक बार प्रैक्टिस नहीं किया, दूसरे स्कूल वाले प्रैक्टिस कर रहे थे, कमेंट्री चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, और जब गेम हुआ दे वन विथ 49 runs, तो आप सोचिए कि कितना हुनर है उनमें, कितना गुण है उनमें। अभी देखिए मेहंदी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है और इन लोग का स्किट ड्रामा है, सब कुछ हो रहा। अभी तो नृत्य भी कॉम्पिटिशन होगा इनका और ये रैंप वॉक भी होगा, मैंने मिस डेफ भी होंगी, तो ये लोग देखेंगे कि हम तो किसी से कम नहीं है किसी तरह। तो बस ये समाज को बताना है कि ये कम नहीं है किसी से, इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और सब लोग आगे बढ़ के इनकी मदद करें। चलिए मैम अपना परिचय दें। मैं हूँ पूनम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट ये स्टीफनसन लेडी स्टीफनसन हॉल मैनेजमेंट कमेटी। बताइए क्या कुछ कहना चाहिए? काफ़ी टाइम से हमारा एनजीओ जो चला आ रहा है 2018 में इसका स्थापना हुआ था। मेरा नाम सुषमा ठीक है, मैं डेवलपमेंट फाउंडेशन से काफ़ी पहले हमारा जो स्टार्ट हुआ था 2018 में इसका स्थापना हुआ था। तेज बोलिएगा, 5 साल 6 साल हो जा रहे हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम जो ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं जिसमें सिलाई, साइन लैंग्वेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, ये इस तरह की सारी चीज़ें जो डेफ लोगों के लिए बेस्ड उन लोगों को सिखाई जाती है। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें बहुत खुश रहे और मेहंदी कॉम्पिटिशन डेफ, चाहे वो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, ये सब आज के प्रोग्राम में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। मैं आई हूँ दिल्ली से, एक्चुअली पटना भी मेरा होम टाउन है एंड मैं दिल्ली फाउंडेशन में प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली फाउंडेशन की एंड ऑल इंडिया फाउंडेशन की मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। बट बिकॉज मेरा ये होम टाउन है तो मेरा हमेशा अक्सर यहाँ आना होता है एंड आई एम हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन ऑल्सो। और आज मेरे लोग के सदन से यहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहा है, मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ एक बार देखूँ और इस फाउंडेशन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को, डेफ गर्ल्स को स्किल डेवलपमेंट का मौका मिले। थैंक यू।